चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड हम आज बहुत ही मजेदार वीडियो शूट करने वाले हैं और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी जयपुर की शॉपिंग। सो मैं गई थी जयपुर ओनली फॉर टू डेज, बट शॉपिंग खूब सारी करके लाई हूँ, तो आप लोगों के साथ सारी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ आज। और मेरी दो ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं जयपुर ट्रिप के बारे में, वो व्लॉग्स हैं, तो वो आप जरूर जा करके चेक करना। दोनों मैंने आई बटन में भी दे दिए हैं वीडियोस एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप लोग देखना जरूर। सो कुछ टिप्स बिफोर शॉपिंग इन जयपुर। अगर आप लोग पहली बार जा रहे हो जयपुर, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और क्लोथ्स, होम डेकोर और एक्सेसरीज, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मेन जो बाज़ार है वो दो हैं, एक जौहरी बाज़ार और एक बापू बाज़ार। दोनों हवा महल के आसपास ही हैं, मतलब वहाँ पे हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर जहाँ पे है उसी के आसपास में है, जो कि एक्चुअल वो पिंक सिटी कहलाता है। वहाँ पे सारी दुकान बड़ी ही सुंदर तरीके से एस्थेटिकली एक जैसी बनाई हुई है, तो वो देखने में बड़ी प्यारी लगती हैं। तो वो दो मेन बाजार हैं, हमने वहीं से शॉपिंग मेजरली की। तो वहाँ पे नंबर वन खूब सारी बारगेनिंग होती है, तो आप खुद से बारगेनिंग बहुत सारी करना। एंड नंबर टू, अगर आपको वहाँ पे ज़्यादा कोई ई रिक्शा वाले या वो बोले कि हम आपको लेके चलते हैं, तो इट्स बेटर कि आप खुद से एक्सप्लोर करो मार्केट, आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा। क्योंकि वो लोग किसी एक स्पेसिफाइड शॉप पे लेके जाते हैं जो कि जिनसे उनको कमीशन मिले, तो इट्स बेटर कि आप खुद से एक्सप्लोर करो। वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी मिल जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ वहाँ से। तो फर्स्ट थिंग, दिस, ये वहाँ से नहीं लेके आई हूँ, बट ये बड़ा ही क्यूट सा अमेजिंग सा छाता है। सो ये लेके आई हूँ मैं आमेर फोर्ट के पास से, और आमेर फोर्ट के पास भी आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि सजाने, घर पे सजाने वगैरह के होम डेकोर और भी चीज़ें आपको मिल जाती है वहाँ पे, तो आप ले सकते हो। बट वहाँ पे ऐसे क्लोथ्स वगैरह नहीं मिलते हैं। तो ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा एंड वो लोग कोट तो 250 कर रहे थे, बट ये 100 रुपीज़ का ही मुझे मिल गया, तो बहुत ही ज़्यादा सही प्राइस लगा मुझे, तो ले लिया मैंने। एंड हाँ, आप लोग वहाँ पे अगर आमेर फोर्ट के बिल्कुल नज़दीक जो भी चीज़ खरीद रहे हो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव ऑब्वियसली होगी, क्योंकि वो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो अगर आपको लेना है तो आप सेम चीज़ किसी मार्केट से ले सकते हो, तो आपको रीजनेबल पड़ेगा। सो अब स्टार्ट करते हैं जो चीज़ें हम वो जौहरी बाज़ार और बापू बाज़ार मिक्स करके लेके आए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अगर शॉप के नाम याद हो हमें या अगर कार्ड वगैरह मिला हो, तो मैं उस शॉप का सेम डिस्क्रिप्शन, मतलब जो प्रोडक्ट के साथ साथ उस शॉप का नाम भी डालूंगी जहाँ से हमने लिया है। तो पहली चीज़ जो हमने ली वो मम्मी के लिए ये बैंगल्स ली थी, एंड ये हमें 100 रुपीज़ की पड़ी थी। और ऐसे बैंगल्स के बहुत सारी वेराइटीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, मतलब अगर आप दो वाले सेट लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएंगे, अगर ऐसे लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएंगे। ये कुछ ऑरेंज एंड रेड कलर में है और ये हमें 100 रुपीज़ के मिले, और वहाँ पे 50 के भी मिल जाएंगे आपको काफ़ी सारा। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है ना, तो उसके लिए तो बेस्ट है, वहाँ पे बहुत ऑप्शन है। अब आते हैं मम्मी की साड़ी शॉपिंग पे। तो मम्मी के लिए और मेरे घर पे बाकी लोग जो है वो ज़्यादातर साड़ी पहनते हैं, मतलब मम्मी भी, दादी माँ भी, तो इसीलिए साड़ी लेके आए हैं। लेट्स स्टार्ट साड़ी के साथ, एंड बार्गेनिंग भी मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी कितनी की हमने। तो पहले तो हमने कॉटन की साड़ी ली, आप लोगों को पता ही है वहाँ पे बंधेज बहुत ज़्यादा फेमस होता है, और तो ये तीन साड़ी ली हमने, पिंक, येलो, येलोइश ऑरेंज एंड ये थोड़ा मरून, और पता नहीं मरून है या ब्राउन है, ऐसा कुछ कलर है इसका, और यहाँ पे इसके साथ ग्रीन है। तो ये जो है ये हमें 950 के कोट किए जा रहे थे, बट हम 500 के लेके आए हैं। तो यस, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट और काफ़ी अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हो आप। मैं तीनों के कलर कॉम्बिनेशन आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। ये देखो, दिस इज द फर्स्ट वन, और सबके साथ इनके वो ब्लाउज पीसेस भी होते हैं, तो इट्स सही है 500 में, इट्स नाइस। सेकेंड दिस वन, एंड द क्यूटेस्ट दिस वन।
सो ये तो मुझे बहुत ही क्यूट कलर लगा है, और सबके साथ उनके ये ब्लाउज पीसेस भी होते हैं तो बहुत रीजनेबल भी है, 500 ईच। और इस शॉप का शायद मेरे पास कार्ड है तो मैं उसका कार्ड यहाँ पे लगा दूंगी, ताकि अगर आप लोग जाओ जयपुर तो यहाँ से लेके आ सकते हो। उसके बाद और साड़ीज दिखाती हूँ। ये दो साड़ीज है, ये एग्जैक्टली सेम है, बस इनके कलर अलग है, एक है बॉटल ग्रीन और एक है पिंक। तो पिंक आप देख सकते हो कितना फेवरेट हो रहा है, यहाँ भी पिंक यहाँ भी पिंक, बट ये दोनों कलर के तो मैं एकदम प्यार में हूँ, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। और ये दोनों रियादी की चॉइस है, तो ये भी वो लोग कुछ 1100 के लगभग कोट कर रहे थे एंड 550 में मिले हमें ईच, 550 550, सो काफ़ी अच्छा है। और हाँ, मैं एक को खोल के दिखा देती हूँ आपको कि इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक सा है। ये देखो, पहले ऐसे फिर ऐसे, सो ये ऐसे ऐसे, मतलब पहले आपको ये लहेरिया मिलेगा, फिर बंधेज, फिर लहेरिया, फिर बंधेज, तो मिक्स ऑफ राजस्थानी डिजाइन्स हो गए, बंधेज भी मिल गया और लहेरिया भी मिल गया, और फिर हमें काफी यूनिक सा लगा, तो ये तो बनता था मम्मी के लिए। मेरी मम्मी साड़ी लवर है और मेरी बहन जो है वो शॉपर है, मतलब उसको तो इतनी मजा आता है ना उसको शॉपिंग करने में, तो उसने ले ली, बोला कि ये भी बड़े अच्छा कलर लगा है, वो भी बहुत अच्छा कलर लग रहा है, दोनों ही ले लेते हैं, तो हमने दोनों ले ली। इनके प्राइस है 550 ईच, तो आप लोग भी अकॉर्डिंगली लेना उसको। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैं अपने और अपनी बहन हम दोनों ने कौन कौन से कुर्ते की शॉपिंग करी अपने लिए। हमने ज्यादातर जो है वो मटीरियल लिए, क्योंकि मटीरियल फिर आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो तो बेटर होता है। तो फर्स्ट है ये फुल सेट, तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था क्योंकि ग्रे एंड पिंक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये ले लिया। इसमें ये है बॉटम और ये है कुर्ता, तो मेरे को तो दोनों ही कुर्ते जैसे ही लग रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो आप दोनों को भी बनवा सकते हो, एक को भी बनवा सकते हो, योर विश। और ये इनके साथ इनका दुपट्टा है, तो ये सेट वन, दिस इज माइन। और मेरी बहन ने ऑलरेडी बनवा लिया है अपना कुर्ता होली के लिए, तो मैं आप लोगों को वही दिखा देती हूँ। तो ये है रियादी का कुर्ता जो उसने ऑलरेडी बनवा लिया है, बट ये कपड़ा था, इसका कलर बहुत ज्यादा प्यारा था, बहुत ज्यादा, ये देखो येलो एंड पिंक, ये कुर्ता, ये है उसका दुपट्टा एंड दिस इज द बॉटम। बट रियादी ने बॉटम अपने हिसाब से प्लेन बनवाया है, वो इसका भी कुर्ता बनवाने का सोच रही है, तो इसलिए उसने इसका कुर्ता नहीं बनवाया। एंड दिस वन इज फॉर 600 एंड बाकी वो वाला जो था वो अराउंड 400 या 450, आई थिंक 450 का था जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये वाला, ये 450 का पड़ा हमें। एंड एग्जैक्टली सेम इसी का एक और कलर है बस, वो भी 450। सो ये है ग्रीन एंड पिंक, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, सो या सेम। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और दो और कुर्ते, फर्स्ट इज दिस वन, क्लियरली हमारे घर पे ऑरेंज और येलो फैंस बहुत सारे हैं, तो ये हमें पड़ा 350 का, दिस इज ओनली कुर्ता, तो ये हमें पड़ा 350 का। एंड सेकेंड हमने ये लिया, ये भी हमें पड़ा 350 का, तो ये देख सकते हो हमारे पास इतने सारे डिजाइनर टाइप कपड़े हो गए हैं, पता नहीं हम कब बनवाएंगे कब पहनेंगे, बट वहां पे देख के एकदम लालच हो जाता है कि भाई ये भी ले लो वो भी ले लो, तो ये दो। तो हमारे ये हो गया टोटल हमारा कुर्ता शॉपिंग, ये हो गई मम्मी की साड़ी शॉपिंग। अब हमने थोड़ा सा जो है वो होम डिकोर का भी यूज कर, मतलब खरीद लिया, होम डिकोर तो एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, बट हमने बेडशीट्स ली दो, और ये वाली बेडशीट तो हमें एकदम फर्स्ट लुक में हो जाता है ना ऐसे कि पहली नजर में प्यार, तो ये उस इसके साथ वो हो गया था, हमने इसको जिस शॉप से हमने लिया उस शॉप में ये डिस्प्ले पे था, तो हम गए और हमने बोला यही चाहिए, बस यही वाला चाहिए, तो उन्होंने हमें कुछ शायद 850 ऐसा कुछ कोट किया था, हमने 600 में लिया है। मैं ट्राई करती हूँ इसको आप लोगों को खोल के दिखाने का, या फिर मैं एक क्लिप भी लगा दूंगी साथ साथ में जहां पे हमें वो शॉप पे दिखा रहे थे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा।
इसका कलर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही यूनिक सा है। ये सो दिस इज द बेडशीट। इसमें एकदम ही घोड़े हाथी सब बने हुए हैं। मैं आपको इसका ये दिखा देती हूँ पिल्लो कवर, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखो, हाथी 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 घोड़ा हाथी घोड़ा, बहुत सारा हाथी घोड़ा है इसमें। और हमने लिया एक और बेडशीट, दिस वन। एंड गेस व्हाट, ये बेडशीट बस 400 की पड़ी है। हमें खूब बार्गेनिंग करके आए हैं हम, और ये है इनके पिलो कवर्स। सो ये हो गई होम डेकोर की शॉपिंग। सो इतनी सारी शॉपिंग करके लेके आए हम जयपुर से, तो आप लोगों को इनमें से क्या अच्छा लगा? और अगर आप जयपुर आसपास में गए हो लाइक अभी थोड़े दिन पहले या फिर कभी पहले, तो आपने क्या शॉपिंग करी थी जयपुर से मुझे बताना मत भूलना, जरूर बताना। और ये जो मैंने पहन रखा है वो भी राजस्थान से, वो जयपुर से नहीं है। मेरी बहन उदयपुर गई थी तो वो वहां से लेके आई थी, गोटा पट्टी का काम है इसमें। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है इसका भी कलर, क्योंकि बॉटल एकदम ब्लू में बस बहुत कम है। आप देख ही सकते हो हमारे पास ऑरेंज और येलो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें वो बहुत पसंद है। मुझे पर्सनली येलो बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये ब्लू एक रेयर है बट ये काफी अच्छा है। तो ये भी रियादी लेके आई थी उदयपुर से। तो यस, अगर आप लोगों को इनमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको अभी जयपुर घूमने जाना है, क्योंकि बहुत लोग जयपुर घूमने जा रहे हैं और अभी बहुत लॉन्ग वीकेंड्स भी आ रहे हैं, तो शायद आप लोग जा रहे होंगे। तो शेयर कर देना वीडियो, लाइक कर देना वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो और आपको मेरा चैनल पसंद आता है। एंड ऑल्सो प्लीज मुझे अपने वीडियो सजेशंस कमेंट में लिखना कि आप लोग क्या चाहते हो मैं कैसी वीडियोस और बनाऊं। एंड इस वीडियो के लिए हम ना एक छोटा सा टारगेट रखते हैं कि हम अपनी वीडियो में एटलीस्ट 100 लाइक्स करेंगे इस वीडियो को। सो 100 लाइक्स करके जाना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye!